दोस्तों, यहाँ पर जब फायरमैन एक आग में जल रहे घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें बेहोश हालत में ये बिल्ली मिलती है जो हिल भी नहीं पा रही होती। कुछ मिनट बाद ही ये फायरमैन बिल्ली के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और ठंडे पानी से उसके शरीर को साफ करते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही ये छोटी सी बिल्ली वापस से ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको एक से बढ़कर एक इसी तरह के क्लिप्स दिखाने वाले हैं जिनमें से कुछ को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बस हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। दोस्तों, अब ये वीडियो देखिए जिसमें भारत में कहीं बाढ़ आ जाने की वजह से दो मासूम लड़कियां कई दिनों तक बाढ़ में फंसी थीं। फिर एक पुलिस वाले ने इन्हें अपने कंधों पर लाद कर 3 किलोमीटर तक पानी में चलकर इन मासूम बच्चियों को बाहर निकाला। दोस्तों, हमारे देश में कुत्ते को चोट लग जाना मामूली सी बात है, लेकिन इस कुत्ते के लिए इतनी हमदर्दी पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। इस कुत्ते की दोनों टांगे टूटी हुई हैं, जिससे ये बिल्कुल भी चल नहीं पाता, लेकिन कुछ भले लोग इस कुत्ते की मदद करते हैं और इसे इसकी टांगों पर वापस खड़ा कर देते हैं। अब दोस्त चलते बांग्लादेश का ये वीडियो भी देख लीजिए, जहां पर बाढ़ आने की वजह से ये छोटा सा हिरण पानी में फंस जाता है, लेकिन तभी पानी में कूदकर 14 साल का ये लड़का इस हिरण को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। दोस्तों, जब एक ऑफ ड्यूटी पुलिसमैन नदी के किनारे अपनी फैमिली के साथ घूमने जाता है, तभी उसे दिखाई देता है कि एक महिला अपने बच्चे के नदी में गिरने की वजह से रो रही है, और ये पुलिसमैन बिना कुछ सोचे समझे ही तुरंत बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर जब ये बूढ़ा शख्स गाड़ियों की इतनी भीड़ को देखकर रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा होता है, तब ये लड़का अपनी कार रोककर इन बूढ़े अंकल जी को अपनी पीठ पर बैठाकर रोड क्रॉस करवाता है। दोस्तों, मिलिट्री ऑफिसर्स का पहला प्यार भले ही उनका देश हो, लेकिन वो अपने परिवार को भी बहुत प्यार करते हैं। तभी तो उनसे मिलते ही हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब आप जरा हमारे भारत के बेंगलोर में रहने वाले इस स्पाइडरमैन से मिलिए, जो जानवरों को बचाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों और पेड़ वगैरह पर चढ़कर उन्हें रेस्क्यू करते हैं। इन्होंने अब तक सैकड़ों जानवरों को रेस्क्यू किया है, जिसमें बिल्ली से लेकर बंदर तक हर जानवर शामिल है। वैसे ये केवल जानवरों को ही नहीं, बल्कि मुसीबत में पड़े इंसानों की मदद के लिए भी भागे दौड़े चले आते हैं। बचपन में जिन खिलौनों को हमने फेंक दिया था, वो किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। इस चीज का अंदाजा आपको नाइजीरिया की इस लड़की के चेहरे की खुशी को देखकर लग जाएगा। अब जरा इस इंसान को देखिए, जो हाईवे के ऊपर बने नाले में फंसी हुई गंदगी को अपने हाथों से निकाल रहा है ताकि वहां मौजूद पानी निकल सके। दोस्तों, इसके ऐसा करने के कुछ ही मिनटों बाद पूरी रोड साफ हो जाती है। अब जरा आप इस बच्चे को देखिए, जिसकी उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। तभी तो ये अपनी पॉकेट मनी के सारे पैसे इस गरीब आदमी को दे रहा है। दोस्तों, ये मोमेंट किसी का भी दिल छू लेने वाला था, जब ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के बालों को शेव करता है, क्योंकि इस लड़की को एलोपीसिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें बाल झड़ने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि लड़की अपने बाल जाने की वजह से काफी उदास है, और तभी अपनी गर्लफ्रेंड को एनकरेज करने के लिए ये भी अपने बालों को शेव कर देता है। सच में दोस्तों, अगर प्यार हो तो ऐसा, वरना ना हो। दोस्तों, यहाँ पर ये फिशरमैन पानी में मछलियां पकड़ने के लिए गया था, तभी उसे एक स्वॉन यानी कि हंस फिशिंग लाइन में फंसा हुआ मिला, जिसकी गर्दन इतनी बुरी तरह से फंसी हुई थी कि ये बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था, और अगर ज्यादा समय तक ये ऐसे ही फंसा रहता तो ये मर भी सकता था। लेकिन इस फिशरमैन ने जैसे ही इसे देखा, तुरंत इसे बाहर निकाला और फिर इसके घाव को साफ करके इसे आराम से वापस पानी में भेज दिया। दोस्तों, ये बच्चा बारिश में जा रहा था, तभी इसे एक बड़ी सी ईंट दिखाई देती है, और जब ये इसे बाहर निकालता है तो इस होल के अंदर काफी सारा गार्बेज भरा पड़ा होता है, जिसे ये बच्चा अपने हाथों से निकालकर बाहर फेंकता है ताकि पानी सड़क पर इकट्ठा ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में रेस्क्यू करने वाली महिला 9 साल के लैब्राडोर डॉग को आधी जमी हुई झील से निकालने के लिए खुद झील के अंदर उतर गई। हालांकि इनका ये कदम खतरनाक भी साबित हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर डॉग को बचा लिया। और यहाँ पर तो इस शख्स ने गजब ही कर दिया, जिसने कंक्रीट स्टोरेज में फंसी लोमड़ियों को बिना डरे बाहर निकाला।
दोस्तों कई बार तो कुछ अजूबे भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप इन विंडो वॉशर्स को ही देखिए जो बच्चों को खुश करने के लिए सुपर हीरोज की कॉस्ट्यूम पहनकर आए हुए थे। दोस्तों जब लोगों ने ये नोटिस किया कि सील के कुछ छोटे बच्चे घायल हैं, तो वो दौड़ते हुए उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए। जहां एक की गर्दन में फिशिंग लाइन फंसी हुई थी जिसकी वजह से वो तकलीफ में था, तो वहीं दूसरे की गर्दन में प्लास्टिक फंस जाने की वजह से उसे दर्द हो रहा था। लेकिन इन सभी को ठीक कर दिया गया और यहाँ पर तो इस महिला ने सूखे हुए नाले से बर्ड के बच्चों को निकालने के लिए अपने किचन के बर्तन को गंदा करने में एक मिनट भी नहीं लगाया। और बच्चों के सुरक्षित होने की खुशी आप इस महिला की आवाज में सुन सकते हैं। आपको मदद करने के लिए न तो अमीर होने की जरूरत है और न ही ताकतवर, बस आपके अंदर मदद करने का जज्बा होना चाहिए। और इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल आपको सैन डियागो के इस लड़के के रूप में देखने को मिल जाएगा, जिसने मेहनत करके कमाए हुए पैसों से मजा करने के बजाय जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना जरूरी समझा। दोस्तों कुछ लोग बने ही दूसरों की मदद करने के लिए होते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप यूजीन यून नाम के इस शख्स के रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने जब सोशल मीडिया पर आर्थर नाम के इस शख्स को देखा जो चल नहीं पाता था, तो यूजीन ने इनकी मदद करनी चाहिए, पर इसके लिए इन्हें $80,000 चाहिए थे। इसलिए यूजीन ने अपनी जॉब छोड़ दी और कैलिफोर्निया मैक्सिको बॉर्डर में हाइकिंग करने लगे ताकि ये फंड जनरेट कर सकें, जिसके बाद लोगों के डोनेशन की वजह से इन्होंने आर्थर के लिए रोबोटिक स्केलेटन खरीदा ताकि वो फिर से चल सकें। और यूजीन का लोगों की मदद करने का ये सिलसिला यही नहीं थमा। जब इन्हें ये पता चला कि अल्बर्टो नाम का एक शख्स अपने 24 लोगों के परिवार को अकेले संभाल रहा है, वो भी एक छत के नीचे, तो यूजीन ने इनकी भी मदद करने के लिए कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। और अब यूजीन अपने ब्रांड के कपड़े बनाकर अल्बर्टो के साथ साथ और भी कई लोगों को रोजगार देते हैं। दोस्तों चाइना में जब दो कार आपस में टकरा जाती हैं, तो एक कार साइड से पलट जाती है, और जब बाहर से ये लड़का देखता है कि अंदर ड्राइवर फंसा हुआ है, तो पहले तो ये कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब कांच टूटता नहीं है तो कुछ ही देर में कई सारे लोग इस कार को सीधा करके ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश में जुट जाते हैं। दोस्तों जब तेज रफ्तार से आ रही कार इन रोड क्रॉस करने वाले लोगों को टक्कर मारने वाली होती है, उतने में ही रशियन पुलिस अपनी गाड़ी लेकर कार की रफ्तार को धीमा कर देती है और ऐन वक्त पर इन लोगों की जान बचा लेती है। दोस्तों जब ये बूढ़ा आदमी बारिश में रोड क्रॉस कर रहा होता है, तो इसे ऐसा करते हुए हर कोई देखता है, लेकिन कोई भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता। तभी ये काइंड वुमन अपनी कार से निकलकर इस बूढ़े आदमी को अपना छाता पकड़ा देती है। दोस्तों ट्रैफिक सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी काफी खतरनाक होता है। तभी तो एक छोटा सा डॉग ट्रैफिक के बीच में फंस जाने की वजह से घायल हो जाता है। और तभी एक 11 साल का बच्चा आता है और इस सड़क के कुत्ते को किसी बच्चे की तरह उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ घंटी वाला बटन दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को भी जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।